नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। यूपी के हमीरपुर में एक गरीब विधवा महिला लोगों को कोरोना से बचाने के लिए रात दिन कपड़े के फेस मास्क बनाकर गरीबों को मुफ्त बांट रही है। यह जागरूक महिला कोरोना वायरस से बचाने के लिए मास्क बनाकर बांटकर लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान में जुटी है। लोग इस महिला के जज्बे को सलाम कर रहे हैं और फ्री में मास्क लेने वालों की इनकी दुकान पर लाइन लगी है। दरअसल मौदहा कस्बे में रहने वाली एक विधवा महिला दिन रात कपड़े के मास्क बनाकर जरूरतमंद और गरीबों में बांट रही हैं। जिसने अब तक हजारों मास्क बनाकर बांट दिया है, यह सिलसिला लगातार जारी है। फ्री में मास्क पाने के लिए और इस महिला को लोग सलाम भी कर रहे हैं। दरअसल विधवा महिला सस्ती सोनी कपड़े सिलकर अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। जब से कोरोना वायरस ने देश में दस्तक दी है, तब से सरस्वती सोनी ने कपड़ों की सिलाई बंद कर कपड़ों के मास्क बनाने में जुट गई। सरस्वती अब तक हजारों लोगों को मास्क फ्री में बांट चुकी हैं। आखिरकार विधवा महिला मास्क बनाकर क्यों फ्री में बांट रही है, खुद सुन लीजिए उनकी ही जुबानी। आप देख रहे हैं हमीरपुर से संदीप कुमार की रिपोर्ट। जब से यहाँ पता चला कि अपने देश में भी कोरोना आ गया है भारत में, तब से हमें ऐसा लगा कि यह तो बहुत खतरनाक बीमारी बताई जा रही है। बाहर बाहर सुना कि अपने से लोग खत्म हो चुके हैं, तो हमने सोचा कि मास्क बनाए तो इससे कुछ सेफ्टी होगी। तो हमने अपने घर परिवार के लिए बनाया, फिर हमने सोचा यार मोहल्ले के लिए भी थोड़ा बहुत बना दे। जब बनाने लगे तो सब कोई मांगने भी लगा, तो हमने सोचा हम सबको बिना पैसे लिए जो कोई भी मांगेगा, जितनी हमसे मेहनत की होगी उतनी हम मेहनत करेंगे, बनाएंगे, सब करेंगे बीमारी से बचाने के लिए, और इससे भगवान सबकी रक्षा करे, सारे मोहल्ले वालों को सबको सुरक्षित रखे, इसलिए हमने बनाया। सोनी वाइफ ऑफ स्वर्गीय दुर्गा सोनी जी की पत्नी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस संकट की घड़ी में जो मास्क बनाकर दिए निःशुल्क, कम से कम 600-700 या 1000 भी हो सकते हैं, इतने मास्क बनाकर इन्होंने वितरित किए हैं। इस नेक काम के लिए मैं सरस्वती सोनी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और संकट की इस घड़ी में हम सब एक साथ है, चाहे वो जिस दल का हो, आज हम राष्ट्र के साथ हैं। राष्ट्रभक्त इसी को कहते हैं कि हम घर से न निकले, अपने घर में ही रहें, और कोरोना को भगाना है, जड़ से मचाना है। जय हिंद, जय भारत। जो आप देख रहे हैं हजारों मास्क निःशुल्क वितरण होते हैं, कोई भी हो, किसी धर्म का हो, यहाँ से लोग ले जाते हैं। ये बहुत अच्छा कार्य है जो सराहनीय कार्य चाहते हैं। अभी कुछ दिन से जब से कोरोना का ये सीजन चालू हुआ, जब से हमारे देश में कोरोना पहुंचा, तब से इनके अंदर एक अजीब सी सेहन पैदा हुई कि मुझे समाज सेवा करनी चाहिए। तो ये लगभग आज से नहीं, कम से कम 10-12 दिन से लगभग 1500 से 2000 मास्क अभी तक वितरित कर चुकी हैं। जो गरीब तबके के लोग हैं, मजदूर तबके के लोग हैं, यहाँ तक कि रायपुर से, मतलब कि जो भी लोअर क्लास के जो लोग हैं, मजदूर वर्ग के लोग, वो लोग यहाँ पर आते हैं और एक नहीं, दो दो, तीन तीन, चार चार, पांच पांच, जो मतलब कि अपने परिवार के हिसाब से यहाँ पर जो है मास्क लेकर चले जाते हैं। और आखिरी बात ये कह के जाते हैं कि जो आप ये कर रही हैं, ये खैर कोई नहीं कर सकता मौदहा में, और यही तो एक प्रेरणा का स्रोत है जो ये कर रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है।